अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू द किचन का जायका। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू और चुके की भाजी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर रख लिया इस तरह की एक कढ़ाई। चलिए गैस को ऑन कर लेते हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे तेल। तेल हम आधी कटोरी भर के डाल रहे हैं। अब हम इसमें डालेंगे चार लहसुन, जिसको हमने थोड़ा सा कुचल दिया है, हल्का सा। इसमें हम इसको डाल देंगे, तो लहसुन थोड़ा सा जल गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज का प्याज, बारीक कटा हुआ। इसको हम थोड़ा सा शैलो फ्राई करेंगे। प्याज यहाँ पे हमको करनी है शैलो फ्राई। अब हम डालेंगे इसमें आलू, कटे हुए आलू। मैंने यहाँ पे तीन आलूओं को क्यूब्स के शेप में काट लिया है। अब हम इसमें आलू डालेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज कमेंट भी करें। गैस को थोड़ा स्लो कर लें। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच हल्दी, छोटा चम्मच हम डाल रहे हल्दी। और मैं इसमें डाल दूंगी एक चम्मच नमक, नमक टेस्ट के हिसाब से डालें। तो अब हम इसको अच्छे से मिलाएंगे और 80% इसको कुक करेंगे, क्योंकि हमको इसमें चुके भाजी भी डालना है। हमारी जो भाजी है हमने काट के रखी हुई है, वो भी हम इसको डाल के पकाएंगे। इसलिए हम आलू को सिर्फ 80% ही पकाएंगे, बाकी जो 20% है वो हमारे भाजी के साथ पकेंगे। बहुत ही टेस्टी बनता है ये आलू चुके भाजी, आप जरूर ट्राई करें। और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें कि आपको ये आलू और चुके भाजी कैसे लगा। इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं डाल रहे हैं, इसलिए हमने लहसुन को थोड़ा सा कुचल के डाला है। जो हमको टेस्ट चाहिए वो हमें मिल जाएगा। तो अब हम इसको ढक देंगे और 5-10 मिनट स्लो फ्लेम पे आलू को गलने देंगे। तो चलिए ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ पे आलू हमारे जो 80% हम चाह रहे थे वो गल गए हैं, आप इसे चेक कर लीजिए। देखिए, अब हम इसमें डालेंगे हमारे दूसरे मसाले। तो इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच धनिया का पाउडर। तो इसमें गरम मसाला और जीरा जो है वो एडेड है, मैंने पूरा मिलाकर ही मसाला पीसा हुआ है। आप दूसरे वीडियो से मेरा देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे धनिया का मसाला, जीरा एक छोटा चम्मच और एक छोटी चम्मच गरम मसाला डालें। अब मैं इसमें डालूंगी लाल मिर्च पाउडर, आपके स्पाइसेस के हिसाब से डाल लें। मैं डाल रही हूँ 1.5 चम्मच। आपने स्पाइसीनेस के हिसाब से लाल मिर्च ऐड कर लें। तो अब हम इसको इस तरह से मिलाएंगे। बहुत ही जल्दी बन जाता है ये आलू और चुके भाजी और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो इस तरह से हम एक से दो बार यू चला देंगे। फिर हम डालेंगे इसमें हरी मिर्च। मैंने 4 से 5 हरी मिर्च इसलिए से काट लिया था। अब हम इसमें डालेंगे 4 से 5 बंडल चुके भाजी। तो उसको मैंने इस तरह से बारीकी से काट लिया है। तो इस तरह से मैं आलू में डाल दूंगी चुके भाजी में। इसमें पानी डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाजी खुद ही पानी आपको छोड़ेगा। तो इसलिए हम इसको इस तरह से बारीकी से काट के डाल देंगे। इसको आप हल्के से ऊपर नीचे इस तरह से मिलाएं, ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे से भाजी में मिक्स हो जाए। इस तरह से हम इसको मिला लेंगे। इसको हम 2 मिनट के लिए
जैसे पानी छोड़ेगा फिर से हम इसको मिलाएंगे, तो तब तक हम इसको इससे ढक देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। चलिए 2 मिनट हो गए हैं, ओपन करके देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पे भाजी पानी छोड़ चुका है इस तरह से। अब इसको हम अच्छे से मिला लेंगे इसे। तो भाजी ये थोड़ी खट्टी रहेगी, यहाँ पे आप टेस्ट कर लें, और स्लो पे 5 मिनट और पकेगा। तो यहाँ पे आप नमक मिर्च और जो भाजी का खट्टापन है वो अच्छे से टेस्ट कर लें, क्योंकि भाजी थोड़ी खट्टी रहेगी। तो इसको हम 2 से 4 मिनट और स्लो पे पकाएंगे। चलिए 2 से 4 मिनट हो गया है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो तेल है वो नजर आ रहा है, और चूंकि भाजी अच्छे से पक गई है, तो हमारा यहाँ पे आलू और चूंकि भाजी बनके रेडी हो गया है। लास्टली हम इसमें डाल रहे हैं धनिया की पत्ती। तो फ्रेंड्स, हमारा चूंकि भाजी आलू रेडी हो गया है। अब तो गर्मा गर्म चावल के साथ अपने फैमिली अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करें, खाएं और खुश रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।